चैनल, दिस इज़ निधि। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन पर भी ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे कि आप मेरी फैमिली का पार्ट बन जाएं और आप ऐसा कोई वीडियो कभी भी मिस ना करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो विच इज़ अबाउट दिस मेकअप लुक। आई एम सो हैप्पी विद हाउ इट टर्नड आउट टू बी, बिकॉज ये जो मेकअप मैंने किया है ये किया है मैंने विद प्रोडक्ट्स अंडर ₹50। जी हाँ, आई थिंक सिर्फ एक आई शेडो पैलेट था जो ₹52 का था, अदरवाइज एवरीथिंग ऑन दिस फेस इज़ अंडर ₹50, विच इज़ अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी विद हाउ इट टर्नड आउट टू बी। द ब्लू एंड लाइक दोज वेट ग्लिटरी आईज एंड न्यूड लिप एंड everything, like I am absolutely happy with whatever I have done with products under ₹50। And agar aap janna chahte hain ki ye look mujhe kaise maine achieve kiya, then do keep on watching and yeah, I hope ki aapko ye look acha lage। And yeah, this was not very easy to create, but blending जो eye shadows किए that is most important, जो मैं अपने हर video में कहती हूँ कि eye shadows अगर आप blend अच्छे से करेंगे, time लेके करेंगे, तो आपका eye shadow चाहे कैसा भी हो आप कैसा भी लुक पा सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट सी हाउ टू गेट दिस लुक इन प्रोडक्ट्स अंडर ₹50, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। मैंने इस चैनल पे तो ये लुक क्रिएट किया है एंड ऑन माई अदर चैनल विच इज़ इन हिंदी, लाइक कम्प्लीटली इन हिंदी, वहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं अंडर ₹50। वहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ से यूज़ किए हैं, तो उसको मैं यहाँ लिंक कर दूँगी, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखेगा। आई होप यू गाइज वुड लाइक इट एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे। स्टार्टिंग ऑफ विद द प्राइमर, आई एम यूजिंग निविया क्रीम। दिस इज़ वेरी थिक एंड इट इज़ अमेजिंग एज अ primer because it just sticks to your face and it is very thick, so it makes your foundation last onto your skin for a little longer time, and foundation which are water based, a good moisturizer helps them to blend better. For my lip balm I'm using this Pet Park lip balm, and for my foundation today I will be going in with this Blue Heaven foundation which retails for just ₹25. The smell is not that great but it is decent enough to be applied every single day because ye aapko bahut medium sa coverage deta hai और आपके स्किन टोन को इवन आउट कर देगा, और ये सिर्फ ₹25 का है, सो व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फाउंडेशन विच इज़ जस्ट फॉर ₹25। सो इट डिड इवन आउट माय स्किन टोन्स बट इट डिड नॉट कवर और कंसील एनीथिंग। द रेडनेस अराउंड माय नोज वाज स्टिल देयर एंड माय डार्क सर्कल्स वर स्टिल पीकिंग थ्रू, बट या वी हैव टू गेट अलॉन्ग विद दैट। आई एम अप्लाइंग अ बिट मोर ऑन माय अंडर आई एंड ऑन माय लाइक बेसिकली द आई बैग्स, जैसे कि थोड़ा सा तो एटलीस्ट कवर हो जाए वो, है ना। तो अभी आई एम अप्लाइंग इट एंड देन ब्लेंडिंग इट ऑल आउट विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। फिर मैं मूव करूँगी अपने आईज़ के लिए। आई एम यूजिंग दिस ADS आई शेडो, उसमें से जो सिल्वर वाइट कलर है आई एम यूजिंग दैट टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई आईलेट्स, क्योंकि मेरे पास कोई फेस पाउडर नहीं था जिससे कि मैं अपनी आईज़ को सेट कर सकूँ। पर सोनी और ब्लू हेवन के पाउडर्स आते हैं जो ₹50 के अंदर है, बट आई पर्सनली डिड नॉट हैड देम, सो मैंने नहीं यूज़ किया। आई एम यूजिंग दिस कलर ऑल ओवर माई लिट्स सो दैट माई अदर आई शेडोज ब्लेंड प्रॉपरली। देन आई एम गोइंग इन विद दैट पिंक कलर, और इसको मैं एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ करूँगी अपने क्रीज में, जिससे कि बाकी के आई शेडोज प्रॉपरली ब्लेंड हो सकें। देन आई एम going in with that grey silverish color and I will be applying it all over my lids. Like initially I thought I would be good doing it all over my lids and I went in just with half of my lid, like I left the outer corner because that blue color in the palette was speaking to me, I had to use that. I'm taking that blue color aur main isko apne outer V mein laga rahi hu. This will create a blue smoky eye kind of a effect. This eyeshadow palette has all glittery eyeshadows, there is not even a single eyeshadow which is matte. अभी फ्लैश शेडर ब्रश की हेल्प से आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट एंड यू गाइज कैन सी हाउ पिगमेंटेड दीज आई शेडोज आर। दे वर अ बिट चंकी एंड दे वॉज अ फॉल आउट एज वेल, बट फिर ₹52 में दिस आई शेडो पैलेट इज़ जस्ट फॉर ₹52, तो आप उसमें और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। सो आई जस्ट ब्लेंडेड इट ऑल आउट, तो एक बार ब्लू एक बार वाइट एंड देन जस्ट ब्लेंडिंग वेयर दे आर ट्रांजिटिंग। सो टेकिंग अ क्लीन फ्लफी ब्रश आई एम जस्ट ब्लेंडिंग एवरीथिंग अराउट सो दैट सब सिंक में रहे और कोई भी हार्श लाइंस ना रहे। आई एम गोइंग इन विद दिस हाफ एंड हाफ ग्लिमर स्टिक इन ब्लिस ब्लू आई थिंक, और मैंने इससे अपनी अपर लैश लाइन को लाइन करने की कोशिश करी, बट द कलर वर मैचिंग विद द आई शेडोज तो उतना पॉप नहीं हो रहा था। सो आई वेंट इन विद दिस ब्लैक काजल फ्रॉम ब्लू हेवन, दिस इज़ जस्ट फॉर ₹15, और फिर इससे मैंने अपना अपर आई लिड को लाइन करा एंड आई ऑल्सो क्रिएटेड अ विंग आउट ऑफ इट विद द सेम काजल एंड इट वॉज वेरी ईजी टू वर्क विद दिस। दो ये थोड़ा सा स्मज होती है, दिस स्मज इज़ अ बेट, सो आई लेटर ऑन वेंट अहेड एंड यूज़ दैट ग्रेश कलर, डार्क ग्रे कलर एंड सेट द काजल विद इट सो दैट इट डजेंट स्मजेज एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, इट विल हेल्प योर काजल लास्ट लॉन्गर।
Then I'm going in with that white shade again, and I'll highlight my brow bone with that. And I'm using the same half and half glimmer stick in my waterline to go give that pop of blue color. And then in the outer half of my lower and upper waterline, I'm using the same kajal to make my eyes pop a little more, and they would look bigger. And then I'm taking the same foundation again under my eyes so that I can just hide my dark circles a little bit more, and blending it all out with the help of a concealer brush. And whatever is left on the brush that I use to blend my eyeshadows, I'm using that to just blend out my lower lash line, like smoke out my lower lash line, so that my eyes are completely done. Going in with that white color again, I'll use that to highlight my inner corners. And then I'm taking this Minion lipstick. This was, I think, in shade 7 or 10, I don't remember. I leave that in the description box down below. So I'm using this as a blush. It's a beautiful pinky color. I absolutely love it, and it gave the right amount of color that I wanted on my cheeks. You can actually make that out, how beautiful that was. Then I'm taking this half and half glimmer stick in Bobbi Brown, I guess, and then I'm just applying it to fill in my eyebrows, and with the help of a spoolie, I'll just comb them out so that my eyebrows look a bit presentable and they're like, oh, not going in some different directions. And then I'm just taking off my lip balm, and I will be using this High Precision Lip Pencil from Me Now. Like, it's a sister pencil from True Lips. Like, so I'm just using that color to fill in my lips as well. And then I'll take another shade, which is a bit of pinky nude, and I'll use that on top of this one, so that it gives a bit of pinky effect. I thought that pink would speak more with these eyes, so I'm just applying that on my lips. And once that is done, I'm done with my full face of makeup under 50 rupees, and this is how the look turned out to be. I'm really happy how it turned out to be. Look at the blush. I was the happiest about the blush. It gave me the right color, and the eyeshadows turned out to be really amazing. I hope you guys liked that video, and if you did, then give this video a big fat thumbs up. Mere channel ko bhi zarur subscribe kijiyega, naye channel ko bhi zarur subscribe kijiyega agar abhi tak mere naye channel ko bhi subscribe kijiyega agar aapne abhi tak nahi kiya hai. That would mean a lot to me. Help me grow there as well. Give me your support and love. That would mean a lot. And yeah, so that's all for today. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.